दोस्तों ये MI का A3 मॉडल है। इसमें देखिए, इस वाले मॉडल में अभी तक जितने भी फ़ोन आए हैं उनमें से बहुत बार तो एक बार इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई थी जिसमें ये फ़ोन डेड हो गए थे। ठीक है ना, डेड की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही आई इनमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। पहला ये है कि डेड फ़ोन आता है तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, हाई बूटिंग में जा रहा है, लो बूटिंग कैसा है, उसके हिसाब से आपको पहले इसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत बार क्या है ये फ़ोन हाई बूटिंग में भी जाता है तो उसको भी समझना पड़ेगा आपको, डेड रहता है। पहला काम ये है कि इसको चार्जिंग में लगाना आपको। ठीक है ना, इसको अपन इसको अभी चार्जिंग में से कि लगाएंगे, ये एक बात है आपको समझाने के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। इसको जैसे अपन चार्जिंग में लगाएंगे, ये देखिए अभी फ़ोन में Android 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये कभी फ़ोन इस फ़ोन में जो दिक्कत है, कभी ये डेड हो जाता है, कभी ये चलता है, कभी बंद हो जाता है, कोई इसका प्रॉपर काम नहीं करता, कभी हैंग ऑन लोगो हो जाता है, ऐसी इशू इसके अंदर आती है। लेकिन मैं आपको अगर डेड फ़ोन डायरेक्ट ये डेड ही आता है उस कंडीशन में क्या होता है, पहला तो ये है कि ये फ़ोन बिल्कुल भी करंट नहीं लेगा। पहला फर्स्ट काम ये इसका यही रहता है, बिल्कुल भी अगर आप अपने एम्पेयर मीटर में देखेंगे तो उसमें ये बिल्कुल भी करंट है जो नहीं लेता है। और दूसरा ये है अगर इसने ले लिया तो 0.4 0.3 इतना ही लेगा ये। ठीक है ना, तो इसमें अगर उस सिचुएशन में वो वैसी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है उसी की जानकारी दे रहा हूँ। ये आपने चेक कर लिया कि भाई फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है और 0.3 0.4 एम्पेयर के आसपास में कंज्यूम कर रहा है फ़ोन है जो, उसके बाद आपको ये करना है कि लैपटॉप पे जाना है। लैपटॉप पे लगा के आपको इसमें डायरेक्ट आपको USB पिन को लगाना है। जैसे ही USB पिन आप इंजेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन में अगर ऑटो पोर्ट बनता है, मतलब क्वालकॉम का ऑटो पोर्ट बन रहा है फ़ोन के अंदर, अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही आप लगाओगे तो आपका फ़ोन है जो कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। डेड जब फ़ोन डेड रहता है तभी भी आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने के बावजूद भी आपके कंप्यूटर से अटैच हो रहा है, कहने का मतलब ऑटो पोर्ट बन रहा है उसके अंदर। इस सिचुएशन में इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है CPU से। जैसे कि अभी ये फ़ोन जैसे कि मान लो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कभी हैंग हो रहा है, कभी पूरा ऑन हो रहा है, हीटिंग कर रहा है ज़्यादा। हीटिंग क्यों करता है उसका भी कारण बता देता हूँ। हीटिंग इसलिए करता है कि ये जैसे कि अपन बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग कर रहा था, ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी। अभी मेरे को जिन्होंने भेजा है इस पे मुझे काम करना है, लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि कैसे क्या करना है। नॉर्मल आपको बैटरी कनेक्टर DC पे लगा के DC पे भी चेक करेंगे तो वो लगभग स्टक नहीं होगा, गिर जाएगा उसमें लेगा, या फिर स्टक भी होता है बहुत बार। जैसे कि आप इसमें जैसे चेक करोगे कंप्यूटर में, जैसे कि मान लो आपके पास UMT Pro है, UMT है, UMT पे जैसे इसका रीड इन्फो लोगे ना तो इन्फो के अंदर क्या करेगा कि ये EMMC को छोड़ देगा, जो कि इसके अंदर वो जो आपकी EMMC लगा हुआ है, जो आपका इंटरनल मेमोरी कार्ड लगा हुआ है वो आपके शो नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है ना, वो आपका स्टोरेज शो करेगा ही नहीं, और स्टोरेज शो नहीं करेगा तो फिर आपके फ़ोन है जो आपका ऑन नहीं होगा। उस कंडीशन में भी आपके फ़ोन में CPU की दिक्कत रहती है। अगर इसका CPU आप निकाल के रिवॉल्व करके लगा देंगे तो आपका जो काम है एक बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। 0.3 एम्पेयर ले रहा है तब भी CPU की दिक्कत है, कुछ भी नहीं ले रहा है तब भी CPU की दिक्कत है, DC पे जाएंगे तो स्टक होता है तब भी CPU की दिक्कत है, क्योंकि ये UFS निकालने की ज़रूरत कम पड़ती है लेकिन इसमें जो है वो CPU की दिक्कत कुछ ज़्यादा ही आती है। या फिर अगर डेड किसी कारण सॉफ्टवेयर से हुआ है तो आप एक बार इसको सॉफ्टवेयर जरूर कर लें। अगर सॉफ्टवेयर से हुआ है तो अगर उन्होंने कोई एक बार अपडेट आई थी उस अपडेट के थ्रू किया है तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें आती है, बाकी इसके अलावा इसमें ऐसी प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती है। और ये खास करके डेड कंडीशन में बहुत ज़्यादा आता है, बाकी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में ये फ़ोन है जो नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।